Assalamualaikum खातिन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज द गेस्ट वी हैव हियर इज वन ऑफ द यंगेस्ट यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान। आई वुड से वन ऑफ द यंगेस्ट, आई वुड से प्रॉब्ली द यंगेस्ट हू इज सक्सेसफुल राइट नाउ, बट देन देयर आर लॉट ऑफ अदर किड्स हू आर इनटू द स्पेस एज वेल, बट समवन आई हैव बीन वेटिंग टू टॉक टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मारुख सेठी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ज़बरदस्त, बेहतरीन। सो मारुख, आई एम गोना स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन विद के हाउ डिड यू एंड अप बीइंग ऑन यूट्यूब? मुझे बचपन से ना मेरा शौक़ था कि मुझे इंडस्ट्री की तरफ आना है। अच्छा। मैं जब से ये सोशल मीडिया वाला ज़माना आया था, मैं फेसबुक पे सेलिब्रिटीज़ को देखती रहती थी। कभी मेरा दिल करता था कि मैं सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट बन जाऊँ, बस समहाउ मुझे इंडस्ट्री में आना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहाँ पर मैं आ सकूँ, अपनी ऑडियंस हो, उनसे बात कर सकूँ। तो फिर पिछले कुछ सालों में यूट्यूब का कॉन्सेप्ट आया पाकिस्तान में, पहले नहीं था। तो फिर मुझे एक अच्छी जगह मिली जहाँ पर मैं मेरी अपनी ऑडियंस होगी, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा, जब स्टार्ट किया था तो रैंडमली बस एक दिन एक रैंडम वीडियो बनाई और डाल दिया, बड़ा कोई सोच समझ के कि मैं व्लॉग बनाऊँ? मुझे ना शौक कोई 2018 के स्टार्ट से हुआ था, जब मैंने कुछ इंटरनेशनल व्लॉगर्स वगैरह देखना शुरू किए थे। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में ढूंढे तो मुझे ज़्यादातर मेल मिले थे। फीमेल में मुझे अनुशा खान मिली थी, ग्लॉसिप्स वगैरह मिली थी, फिर मुझे मोमिना मुनीर नज़र आई। तो मुझे हुआ कि अच्छा ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन उस वक्त ना मैं क्लास 9th में थी, बल्कि क्लास 9th मेरी एंड हुई थी, मेरा क्लास 10 स्टार्ट हो रहा था, मेट्रिक था। तो वो साल हमें बहुत करते हैं ना कि पढ़ना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ मेट्रिक के एग्ज़ाम्स देने। तो मेरा प्लान था कि मैं क्लास 10th के बाद आराम से स्टार्ट करूँगी यूट्यूब। राइट। और फिर एक दफ़ा मेरा क्लास 9th का बोर्ड का रिज़ल्ट आया, तो मुझे था कि मैं बहुत खुश थी रिजल्ट से, और फिर मुझे था कि कुछ करती हूँ। फिर मैंने किसी से ये शेयर नहीं किया था कि मुझे यूट्यूब करने का शौक़ है, मेरे पेरेंट्स किसी को नहीं पता था। फिर एक दफ़ा मैं इटली में थी। अच्छा। तो मुझे था कि अच्छा बोलकर ट्राई करती हूँ कि यूट्यूब करना है, और फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, और फिर इस तरह मैंने बेसिकली इटली में मैंने स्टार्ट किया आउट ऑफ नोवेयर। मुझे पता भी नहीं था कि मैं करूँगी ऐसा। अच्छा, सो एटलीस्ट इट वाज थोड़ा सा वो सोच समझ के आपने मतलब प्रॉपर्ली किया? सोचा था कि करूंगी, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इनिशियली? उनको तो पता ही नहीं था कि ये यूट्यूब, उनको पता था क्या होता, लेकिन ये व्लॉगिंग और ये सारा कुछ तो नहीं पता था, क्योंकि तब पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी ज़रा लोगों को पता चल रहा है। तो पहले मैंने उनको बताया तो उनको था कि ये होता कि अब उन्होंने ज़रा रिसर्च वगैरह की, उसके बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और लाइक इजाज़त भी सही मुश्किलों से दी। इस तरह के एक साल तक मेरी जो भी व्लॉग यूट्यूब पे आती थी, पहले मेरे पेरेंट्स देखते थे। अच्छा। उसको चेक करते थे, फिर वो यूट्यूब पे जाती थी। तो बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली, लेकिन फिर मिली, और वो काफ़ी सपोर्टिव भी रहे। राइट राइट राइट। और ये कब स्टार्ट किया था आपने? जुलाई 2018। 2018 एंड इट्स बीन व्हाट 1.5 years? 2 years, 2 years हो गया। आई वाज 15 एट दैट टाइम। अच्छा, एंड इट्स सो इट्स बीन 2.5 years roughly. Yes, 2.5 years. And you're at 130,000 subscribers. Yes. At this point in time, and you have like 70,000 on Instagram. ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि यू सॉ अनुशा, यू सॉ मोमिना मुनीर, लाइक आई फील लाइक कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है और जो द आइडिया दैट अ गर्ल कैन हैव अ वॉइस, अ गर्ल कैन बी आउट देयर एज वेल, इसमें इसमें पीपल लाइक अनुशा और मोमिना और यू प्ले एन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट रोल, राइट? बिकॉज एक आपने मोमिना को देखा, बहुत सारी लड़कियाँ आपको देख रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं उस टाइम पे इतनी नहीं थी। बिल्कुल। सो वो ऑटोमेटिकली आपसे देखकर वो एक सॉर्ट ऑफ, हालांकि वो लगता तो ऐसे है ना कि यार यू जस्ट टॉकिंग अबाउट योर डे और यू टॉकिंग अबाउट एन एक्सपीरियंस, बट एक देयर इज़ अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट जो कि आप बेसिकली यंग लड़कियों के ऊपर डाल रही हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी DMs आते हैं कि हमने आपको देख के अपना चैनल स्टार्ट किया है, या हमने आपको देख के अपना ब्लॉग अकाउंट स्टार्ट किया है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरह मैंने मोमिना और अनुशा को देख के स्टार्ट किया, तो उस तरह मुझे भी कोई आगे रख रहे, मैं किसी की इंस्पिरेशन बन गई हूँ। अच्छा। And do you get all sorts of comments, like obviously because once you एक certain barrier cross करते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो आपको होता है कि कहते हैं oh you know how cute ये वो सारा सारा, फिर एक certain barrier cross होता है तो फिर suddenly you know alternate side आती है सारी। So do you get that sort of hate or anything of that sort? मैंने तो वैसे जब स्टार्ट किया था ना, तो मुझे लगा था कि मैं ये करूँगी नहीं, क्योंकि मेरा ये मसला है कि मुझे ना कोई शौक़ आता है 2-3 दिनों के लिए, फिर वो चला जाता है। मुझे था मैं स्टार्ट करूँगी, फैमिलीज़ वगैरह देखेंगे, थोड़ा मजाक उड़ा लेंगे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, और बस मेरा शौक़ ख़त्म। अब वो किस तरह आगे जाता गया मुझे पता नहीं चला। शुरू में ज़्यादा फैमिली देखती थी, फ्रेंड्स देखते थे, अच्छे कॉमेंट्स वगैरह आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सारी जगह जाती रहा, तो ऑब्वियसली हर तरह के कॉमेंट्स मिले, हेट कॉमेंट्स भी बहुत मिले, अभी भी मिलते हैं। शुरू में तो मैं उनको देखती थी ना, और मैं डिलीट करती थी पहले बैठ के, और मुझे होता था कि नहीं, मैं बैठ के सोचती थी, लेकिन फिर मुझे होता था कि एक मुझे हेट कमेंट मिल रहा है लेकिन फिर 10 पॉजिटिव भी तो मिल रहे हैं, क्यों मैं क्यों हेट को देखूं, क्योंकि हेट कमेंट्स मिलते हैं और वो मिलने भी चाहिए कि वो आपको सिखाते हैं बहुत कुछ। अच्छा, व्हाट डू यू मीन? क्योंकि जिस तरह अब हर वक्त आपको ज़िंदगी में हर तरह के लोग मिलते हैं, अब हर कोई आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपको बताते हैं वो कि आपने मतलब हर किसी से किस तरह बात करनी है। अगर मुझे हेट कमेंट मिल रहा है तो मुझे पता है कि वो मुझे किस चीज़ पे हेट कर रहा है, मुझे उस चीज़ को ठीक करना है, या मेरे पास कुछ ऐसा है, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो उसके पास नहीं है, तभी वो मुझे हेट दे रहा है। राइट, सो आई थिंक एक जो मेजर चीज़, यस डेफिनेटली, एक तो क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिक है। मैं ज़रा डिफ्रेंशिएट करता हूँ क्रिटिक और हेट में। क्रिटिक वो है कि जिस कमेंट से मैं सीख सकता हूँ और मैं कुछ बेहतर और रेक्टिफाई कर सकता हूँ। हेट जनरली मैं कंसिडर करता हूँ एज समथिंग जो कि मेरी तरफ से नहीं परपेचुएट हो रही, बट रादर उसकी कोई सोच है जिसकी वजह से वो आके वो कर रहा है। और उसमें आई फील है कि आपको वो चीज़ डेफिनेटली सिखाती है कि मुख्तलिफ लोगों की किस तरह से मुख्तलिफ सोच होती है, क्योंकि हम तो बड़े एक बबल में होते हैं ना, हम जैसे हैं वैसी पूरी दुनिया है, हमें तो ऐसा ही लगता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती है कि यार दुनिया में तो बड़े वसी किस्म के लोग हैं, और यू नो उस तरह से। चले, वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्ट में जब आपने स्टार्ट करना शुरू किया था उसी वक्त एकदम से यू स्टार्टेड गेटिंग ट्रैक्शन, या वाज इट यू नो कि 10, 12, 15 वीडियोस बनाई एंड देन सडनली वन वीडियो ब्लू अप? नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो कोई मेरे 1 से 2 मंथ में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। अच्छा। उसके बाद आई गॉट अ चांस टू मीट यूखाना, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन की, तो उसकी वजह से वो वीडियो मेरी काइंड ऑफ हिट गई। उसके बाद फिर मेरी यूखाना के बाद मेरी एक और वीडियो थी, मैंने वेडिंग बेल्स इन नॉर्वे, उसमें मैंने पाकिस्तानी शादी कवर की थी नॉर्वे में, तो वो एक तरह से वायरल हो गई और तब मुझे काफ़ी अट्रैक्शन मिली। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे कोई लाइक 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में, इस तरह। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 2 हफ्ते काम किया और 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। इट्स अ ह्यूज जर्नी इट वाज, और इस पर इतनी मेहनत होती है, लोगों को पता ही नहीं था। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे था इसमें क्या काम है, बस बोलना है, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठी और सारा कुछ करने बैठी तब पता चला ये इतना आसान काम तो नहीं है। और ये सारा आप खुद ही करती हैं? जी, मैं सारा खुद। सो व्हाट कैमरास आर यू यूजिंग? मैं फ़िलहाल अपने फ़ोन से व्लॉग कर रही हूँ और एडिटिंग भी फ़ोन से करती आ रही हूँ फ़िलहाल। वाह, कौन सी ऐप यूज़ करती हैं फ़ोन में? आई मूवी पे सब काम चल रहा है अभी, कोई लूमा फ्यूजन, कोई टेक्निकल, कोई ड्रामा नहीं। और मेरे लिए यही है। मुझे सही बात है अभी तक मैंने सीखी नहीं है लैपटॉप एडिटिंग, मुझे शौक भी नहीं है इतना, लेकिन मुझे है कि जैसा जैसा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हूँ तो मुझे सीखना चाहिए, मैं सीखूंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए फ़ोन ही ठीक है। ज़बरदस्त। एंड व्हाट्स योर एवरेज लाइक कंटेंट कितना आता है महीने में? इट डिपेंड्स, जितना मेरा दिल करता है। अभी जिस तरह मैंने 2018 में जब स्टार्ट किया था तो मेरे आई गेस कोई 2018 में ही से मेरी कोई 6 से 7 वीडियोज़ आई होंगी। उसके बाद 2019 में मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था, लेकिन मुझे होता था कि नहीं सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मैं ना ज़बरदस्ती डालती रहती थी। बेशक महीने में एक डाली, इस तरह एक डाली, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि उसमें मैं अपना सही से इनपुट नहीं देती थी, मेरा दिल नहीं करता था, मैं सिर्फ लोगों के लिए डालती थी, तो उस पर मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, तो लेकिन मैं डालती रहती थी कि मुझे हो रहा है। इसके बाद जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना तो मैंने 2019 में सिर्फ आई गेस 10 वीडियोज़ डाली होंगी या 11 पूरे साल में। हाँ, पूरे साल में। अच्छा। बहुत इनकन्सिस्टेंट थी, मैं गायब थी 2019 में। फिर 2020 आया, ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो पता नहीं मेरी मोटिवेशन कहाँ से आ गई वापस, और मैंने इस लॉकडाउन में आई गेस कोई 25 से 30 वीडियोस डाली घर में बैठे हुए। क्वारंटीन था और मैंने घर में इतना कंटेंट जनरेट किया और उसकी वजह से I mean that's art right there, because if you can create content in a 4x4 house, you know. Yes, वो मुश्किल था, लेकिन मुझे भी खुद समझ नहीं आती। अब जिस तरह फिर ना क्या होता था लॉकडाउन में मेरी 1 मंथ या 1 हफ्ते में 2 वीडियोस तो ज़रूर आती थी। अच्छा, अब वो किस तरह की होती थी? क्योंकि I saw the recent content that you're doing and it's a lot of travel experiential sort of content, right? लॉकडाउन में आप क्या कर रही थी? लॉकडाउन में मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं वो दिखा देती थी। मैं अपना रूम साफ़ कर रही हूँ, मैं अपने सर्दी गर्मी के कपड़े शिफ्ट कर रही हूँ, मैं वो दिखाती रहती थी। पेंटिंग कर रही हूँ, फिर मैंने चैलेंजेस किए डिफरेंट, मैंने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स रिक्रिएट की, वो वीडियो मेरी काफ़ी वायरल गई। फिर मैंने अपनी चाइल्डहुड पिक्चर्स रिक्रिएट की, इस तरह का बस कंटेंट, सो लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क उस तरह से। जनरली आपने अपनी डेमोग्राफिक्स देखी YouTube के ऊपर, व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ व्हाट्स द एज दैट्स वाचिंग यू, व्हाट इज द जेंडर दैट्स वाचिंग यू? 18 to 24 एंड मोस्टली फीमेल। सो ओल्डर पीपल आर वाचिंग यू, older than you are, because you're 17 right now. I'm 17. अच्छा, I for some reason I thought कि आपका वो होगा कि you know 13 to 17 वाली age range देख रही होगी आपको। 18 to 24 ज़्यादा होता है Instagram पे भी और YouTube पे भी। Interesting. Funny you mention Instagram. I feel like I was listening to Momina the other day as well. She had a podcast with Hamna. How important is Instagram now versus YouTube? Because I know you both started with YouTube, but then now I see you on Instagram and I see you much more comfortable as a medium over there. Yes. And to be very honest, the thing that fascinates me the most is just how well you connect with the audience. कि आपके 70,000 subscribers हैं, fans हैं, followers. क्या कहलाता है? Followers. And on average, you're getting like 20-25,000, you know, likes. Engagement आपकी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है. So how do you see Instagram as a medium? Instagram YouTube से काफ़ी तो डिफरेंट है ना. YouTube पे आप वीडियोस तक महदूद रह सकते हो और सारा कुछ. Instagram पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपनी ऑडियंस से मुख्तलिफ इंटरैक्ट कर सकते हो, स्टोरीज और पोस्ट वगैरह. तो Instagram पे YouTube अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि Instagram की मुझसे ज़्यादा बनती नहीं है. मेरे 2 अकाउंट्स Instagram डिसेबल कर चुका है. क्यों? फॉर नो रीज़न. अच्छा. एक अकाउंट मेरा आई गेस 6,000 फॉलोअर्स पे था, वो डिसेबल हो गया. अच्छा. फिर एक अभी मई 2020 में आई वाज एट लाइक 14,000 फॉलोअर्स और वो डिसेबल हो गया फॉर नो रीज़न. नहीं बट देयर मस्ट बी सम, कुछ तो कहते होंगे. हाँ, मैं फ़ोन खोलती थी कि आपका अकाउंट लॉग आउट हो गया क्योंकि यू हैव वायलेटेड आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, और मैं कुछ करती ही नहीं थी. लाइक मेरे अकाउंट पे अगर आप देख लें, सिर्फ मेरा मैं और कुछ कंटेंट है, कोई कॉपीराइट वो नहीं है, कॉपीराइट वायलेशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो फॉर नो रीज़न मेरे 2 अकाउंट्स डिसेबल हो चुके थे. तो लेकिन फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे दोबारा आ जाती है क्योंकि इंस्टाग्राम मजे का है, इट्स फन. वो और वो छोटा सा है ना, वो उसमें किसी कमिटमेंट उस तरह से नहीं है कि बंदा बैठ के एक पूरी वीडियो बनाए फिर उसको एडिट करे फिर डाले. जिस वक्त जो दिल करे पोस्ट करो, स्टोरी डालो, लाइव जाओ, जो करना करो. हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन इंस्टाग्राम? लाइफ इंस्टाग्राम पे अच्छी है, थोड़ी सोचना पड़ता है आपको क्योंकि आजकल जो चल रहा है हर दिन कुछ नया आ रहा होता है, कोई कैंसिल हो रहा होता है, किसी के खिलाफ कोई फॉल्स बात आ रही होती है बात. जैसा रिसेंटली रमीसा खान के साथ कुछ हुआ था. तो इस तरह लड़कियों के लिए मैं कहती हूँ थोड़ा इंस्टाग्राम मुश्किल होता है, लेकिन आप आई थिंक एज अ प्लेटफॉर्म इट्स स्टिल बेटर बिकॉज ज़्यादा ख़वातीन है वहाँ पर. यूट्यूब पे तो इट्स लाइक यू नो इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड स्पेस, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटर बट ऑल्सो द व्यूअर्स. और ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान में वो जनरली यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ वो हम टीवी के ड्रामास की तरफ जा रही हैं. सो अनलेस आप वो मार्केट कैप्चर करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इंस्टाग्राम ऑन द अदर हैंड, यू नो, यू गेट लाइक 80-90% ऑफ वुमेन, और वो बड़ा एक्टिवली इंगेज भी कर रही हैं. और साथ में हम ब्लॉगर्स और हमारी पोस्ट पे तो ज़्यादा होती है क्योंकि होता है कि अच्छा फलाना ड्रेस कहाँ से पहना है, ये हाँ. सो समथिंग दैट्स वो इनके इंटरेस्ट एरियाज में भी है, तो ऑटोमेटिकली वो करती है. लाइव वीडियो, बट द रीज़न आई एम इंटरेस्टेड इन लाइव वीडियो, यूट्यूब पे लाइव होती है ना, हमने फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है मैंने लाइव लगा दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. इंस्टाग्राम पे आपने फ़ोन सामने रखा होता है, आपको उसी वक्त कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कितने लोग छोड़ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं. इट्स सो एंग्जाइटी इंड्यूसिंग. हाउ डू यू डू इट? इसमें कुछ इशू नहीं होता. इंस्टाग्राम फिर भी मुझे बेहतर ही लगता है सारी चीज़ों को देखकर, क्योंकि इंस्टाग्राम की लाइव का भी अपना मसला होता है. यूट्यूब पे मैं अभी तक लाइव गई नहीं है तो मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि यूट्यूब की लाइव वीडियो होती कैसे है, लेकिन इंस्टाग्राम के आपकी अपनी रौनक लगी होती है. अच्छा, सो यू आर कंफर्टेबल. यस, वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को अब लेकर आऊँगा इसके ऊपर कि आप पेशावर से, एंड आई सॉ कि यू नो व्हेन आई गूगल यू तो इट्स ऑलवेज लाइक यंगेस्ट YouTuber of Pakistan, pride of Peshawar. So Peshawar is very ingrained in who you are and how you represent it. Do you think कि Peshawar जो है वो national narrative के ऊपर properly represent होता है? Peshawar को लोग अभी तक backward समझते हैं काफ़ी ज़्यादा, पहले भी समझते थे, लेकिन Peshawar वैसा नहीं है जैसा हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है. जिस तरह अभी यूट्यूबर्स फूड फेस्ट हुआ था, गेस आपको पता होगा, तो अलीना हयात आई थी, तो उससे मैंने पूछा पेशावर कैसा लगा, तो उसको था कि मैंने तो कुछ इमेजिन किया था कोई अफ़गानिस्तान वज़ीरिस्तान टाइप जगह होगी और ये सारा कुछ. तो मैंने जब स्टार्ट भी किया था ना, तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैंने पेशावर की इमेज चेंज करनी है. अभी तक मैंने पेशावर पे ऐसे इतनी वीडियोज़ नहीं बनाई, मेरा प्लान है, लेकिन मुझे है कि मैं पेशावर से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट भी दिखाऊँ क्योंकि वो भी पेशावर है, तो लोगों को पता चले कि हम वहाँ पर औरतें सिर्फ इस तरह नहीं होती कि बुरके पहन के बैठी हुई हैं या इस तरह कुछ. राइट, बट अगेन सो एक तो उसके ऊपर तो मैंने आना ही है कि यू नो हाउ आर यू पार्टिसिपेटिंग इन दैट मिक्स, बट जनरली यू नो जैसे आपने कहा कि पेशावर कंसिडर होता है बैकवर्ड्स, एंड आई थिंक ऑनेस्टली प्री 2013 जब पेशावर सॉर्ट ऑफ एक नेशनल नैरेटिव में आ गया वापस, उससे पहले तो पेशावर कंसिडर ही नहीं होता था ना, वो तो एक लॉलेस जंगल था. उसके बाद फिर पेशावर के अंदर यू नो आपके पास नई नई चीज़ें आईं, स्टार्टअप कप्स आए, यू नो टेक कॉन्फ्रेंसेस आईं, और फिर इसी तरीके से ये फूड फेस्ट इज़ अ रिमार्केबल इनिशिएटिव कि आप पूरे पाकिस्तान से क्रिएटर्स को लेकर आ रहे हैं और आप उनको पेशावर दिखा रहे हैं. बट द थिंग दैट आई फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग है इसके जो उधर का नौजवान इट्स सेल्फ है वो अनफॉर्चुनेटली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली। एंड द रीज़न वाई आई से दिस इज़ कि मैं अगर किसी पेशावर के यंग लड़के या लड़की से मिलता हूँ, देखिए इस्लामाबाद का कल्चर एसोसिएटेड है इस्लामाबादी से, या लाहौर के लाहौरी जो लोग हैं, जो जिन लोगों से आप मिलते हैं उससे आपको कल्चर की समझ आती है। तो आई डोंट नो, डू यू थिंक के पेशावर के लोग जनरली आर वेरी रिक्लूसिव, वो ज़्यादा अपने आप को वो नहीं करते? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन दैट? पेशावर में जो लोग हैं ना, पहले जिस तरह आप बोल रहे हैं वैसे था ऐसा कि पेशावर बहुत समझा जाता था, लेकिन अभी देखा जाए तो पेशावर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ हो रहा है सारा कुछ, लेकिन पेशावर की एक अपनी खूबसूरती है, वो एक सुकून सा, बहुत उसमें सुकून है, एक सिंपल सा शहर है हमारा। और जहाँ तक बात हम नौजवानों की कर रहे हैं, तो आई गेस जो जिस जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, जिस तरह का उनका ब्रॉटअप किया गया है, वो उसी तरह की चीज़ आगे दिखाएंगे हमें। राइट, सो आहिस्ता आहिस्ता इज गोइंग टू चेंज। यस, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, गोइंग टू ओपन अप स्लोली एंड स्टेडीली, लेकिन अच्छा ऐसे हो रहा है। लाइक इस्लामाबाद और पेशावर में आप देखें तो बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी पेशावर की बात अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं आई थिंक मैं भी लास्ट ईयर आई वाज इन पेशावर, तो मुझे पेशावर की जो वाइब नज़र आ रही थी ना, वो मुझे 90s का इस्लामाबाद नज़र आ रहा था। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि यू नो ये अभी खुलेगा, बिकॉज 20 साल लगे इस्लामाबाद को, अभी लाइक स्टार्ट हुआ है पेशावर से, अभी रिसेंटली अभी हमारे लाइक सिनेमा बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, वहाँ पे कोई मॉल्स नहीं है, बन रहे हैं, सारा कुछ अभी स्टार्ट हुआ है पेशावर में। राइट। एंड नाउ कमिंग टू, कि आपने कहा कि मैंने रिसेंटली आपकी देखी, तो इट्स मोस्टली यू नो आई एम गोइंग टू ख्योड़ा सॉल्ट माइन्स एंड आई एम गोइंग टू लाहौर एंड आई एम गोइंग टू बोरबन। सो व्हेन इट कम्स टू पेशावर इटसेल्फ, और रादर मैं चलो इसको इस तरह से करता हूँ कि जनरली मैंने जहाँ पर कॉन्टेंट देखे वो बड़ा ट्रैवल है। यस, उस तरह से do you see yourself doing more lifestyle in and around your city? Yes, मेरे काफ़ी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मेन मकसद यही था, अभी तक यही है कि मैंने पेशावर की मिसाल आगे दिखानी है, लेकिन अभी तक मैंने पेशावर पे ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है, इनफैक्ट अपने सेठी हाउस पे कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मेरे काफ़ी प्लान्स हैं, मैंने कुछ किया हुआ है जो कि मैं इंशाल्लाह भी आगे पेशावर के बारे में बहुत कुछ करूँगी। लेकिन हाँ, मैं मेरी ज़्यादातर आपको ट्रैवल व्लॉग इसीलिए नज़र आती हैं क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, उस पर मुझे बहुत कॉन्टेंट मिलता है। और रिसेंटली मैंने पाकिस्तान में बहुत ट्रैवल किया, और वहाँ पर जिन जिन जगहों में गई मुझे नहीं लगता था कि काफ़ी लोगों को उनको पता भी था। जिस तरह मैं गई खानपुर डैम, ख्योरा सॉल्ट माइन, हमारे पास वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन, हमें पता भी नहीं था, मुझे तो इनफैक्ट नहीं पता था। जब मैंने जाके देखा तो मुझे था कि मेरी ऑडियंस को भी पता चला। राइट, नहीं, दैट वाज आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। हम बाहर के तो चलो इधर घूमने चले गए, उधर घूमने चले गए, बट पाकिस्तान में 2-2 घंटे की ड्राइव के ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हमारा वो कल्चर ही नहीं है कि हम जाते हैं, बस हम घरों में बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं बैठकर। सेम, हमें होता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर हम निकले ना तो बहुत कुछ है यहाँ पर भी। राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन लेकर आऊँगा कम्युनिटी की तरफ। ओके, राइट। जनरली मैं आप जब आप अपने आप को एज ए यूट्यूबर कंसिडर करती हैं, तो डू यू हैव लाइक अ कम्युनिटी अराउंड यू एज वेल ऑफ फेलो यूट्यूबर्स? सो यू मेंशनड अलीना, यू मेंशनड मोमिना, हु आर द पीपल हु यू आर जनरली एसोसिएटिंग विद? जैनब, फातिमा है, मोमिना मुनीर, अलीना, मुस्तफ़ा, बाबर, हमज़ा, अमीन, हमारा सारा एक ग्रुप्स है जिसको हम हमज़ा अमीन ने भी बोला था, 3rd generation ऑफ ब्लॉगर्स। राइट, सारे ब्लॉगर्स ही हैं। यस, मोस्टली। अच्छा, व्हाई इज़ दैट? व्हाई इज़ द 3rd generation प्योरली इनटू व्लॉगिंग? I don't like. Think about it. I mean, it's not a bad thing. Just, just not to put you in a spot. मुझे बस just fascinates me कि पहले वक्त में ना वो सारे skits वाले लोग भी आए थे और you know review channels भी आए थे और इस तरह के आए थे, but I see this like age group 17 to 21 वाला, और वो purely vlogging में। Is this something जो कि शायद कोई वेव थी जिसमें उस टाइम पे बंदे वर? आई बिलीव हम ज़्यादा इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को देखते हैं, और जिस तरह का कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिस तरह की यूट्यूबर्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल देखें ना तो हमें ज़्यादा यूट्यूबर्स मिलेंगे, व्लॉगर्स मिलेंगे, इतने कॉमेडियंस नहीं मिलेंगे जिस तरह यहाँ पर हैं, आर वाइन्स वगैरह। इस तरह कुकिंग चैनल्स वहाँ पर इतने नहीं होंगे जितने यहाँ है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमने ज़्यादातर उधर से ही सारा कुछ अडॉप्ट किया है और हम उनकी तरह ही व्लॉगिंग और यूट्यूबिंग की तरफ आ रहे हैं। एंड अगर मैं कहूँ कि Who inspires you बाहर के content creators में, तो आप किसको देखते हैं generally? I don't really watch इतने international vloggers, like शुरू में देखती थी लॉरा ली और like makeup वाले ज़्यादा देखती थी, लेकिन बाहर से मो व्लॉग्स है, PewDiePie है, इनको देखती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी देखती हूँ। Do you watch PewDiePie though? Very interesting. एक दो वीडियोस देखी। You don't look like the sort of person who would be a PewDiePie watcher. No, मैं जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो सबका मैं कंटेंट देखती थी, तो तब मैं देखती थी, लेकिन अब मेरा ज़्यादा फोकस पाकिस्तानी ब्लॉगर्स और पाकिस्तानी ब्लॉगर्स, यही जो आपने कम्युनिटी बोली है या और भी लोग हैं जो क्या और भी हैं, जुनेजो है, अनुशे, ग्लॉसिप्स, खतीजा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी क्रिएटर्स हैं और हर कोई एक दूसरे को इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है एक तरीके से। राइट, एंड व्हेन इट कम्स टू दिस एज एन इंडस्ट्री, आपने स्टार्ट में ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट में बोला आपने कहा मैंने इंडस्ट्री में घुसना था। How do you see the industry? What does the industry look like to you? पाकिस्तान इंडस्ट्री देखा जाए तो, अब मैं प्योरली डिजिटल की बात कर रहा हूँ, डिजिटल सो अब देखा जाए डिजिटल इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक तरह से अभी ग्रो होना स्टार्ट हुई है। पहले हमारे पास ब्लॉगर्स वगैरह कुछ था ही नहीं, हालांकि इंटरनेशनली देखा जाए तो यूट्यूबिंग और सारा कुछ काफ़ी अरसे का स्टार्ट है। तो अभी अगर हम देखें ना तो हमारे पास काफ़ी ब्लॉगर्स आ रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स आ रहे हैं। पहले तो इसको भी अच्छा नहीं समझा जाता था, कहते थे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस पर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे पास टाइम आगे जाता जा रहा है, हमारे पास और यूट्यूबर्स आ रहे हैं और व्लॉगर्स आ रहे हैं। राइट, तो अब आप देखें उस हिसाब से हमारे पास काफ़ी नए नए आ रहे हैं, हमसे इंस्पायर हो रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि हम लोग अर्न करते हैं तो उनको पता, उनके पेरेंट्स को इनफैक्ट पता चलता है कि ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, आपका बच्चा अगर इंटरेस्टेड है एक चीज़ में तो ये अच्छी चीज़ है। हाँ, आप उसमें इन्वेस्ट करें तो यू कैन एक्चुअली गेट गुड रिटर्न्स एज वेल। यस, बट अर्निंग की जब हम बात करते हैं, डू यू थिंक दिस इज समथिंग जो कि सस्टेनेबल एज अ जॉब, एज अ प्रोफेशन? ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है। जिस तरह कि मैं पिछले जिस मैंने स्टार्ट 2018 में किया था, लेकिन मुझे मेरी फर्स्ट पे यूट्यूब से मिली थी अप्रैल 2020 में, अभी। अच्छा, ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद, क्योंकि मेरे ख्याल कुछ इश्यूज़ भी बने हुए थे, लेकिन उसके अलावा भी मोनेटाइजेशन और सारे उसके बाद मुझे अभी मिली थी। और मैं कंसिस्टेंट थी तो मुझे हर मंथ पेमेंट आती रहती थी यूट्यूब से। अब पिछले 1-2 महीने से मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो मुझे नहीं आ रही। अगर आप पैसों का सोच के स्टार्ट करोगे फिर तो आप नहीं, ऑब्वियसली डेफिनेटली आई थिंक ये तो एक स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में। एनीवन who's where they are, वो सक्सेसफुल हो गए हैं तो उन्होंने किसी ने भी पैसों के लिए स्टार्ट नहीं किया था। But once you're there, obviously money is something, you're just 17 right now. You know, you're gonna be 20-22. तो उस वक्त बंदा डेफिनेटली ये देख रहा होता है कि भाई अच्छा ठीक है, मैंने अपनी इक्विपमेंट बेहतर करनी है, मैंने जो है ना अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, या एट द वेरी लीस्ट मैंने घर चलाना है, या यू नो आई वांट टू सपोर्ट, शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं तो मैंने उनकी एजुकेशन करनी है। सो मनी इज़ एन इनहेरेंटली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर लाइफ, मोस्ट ऑफ योर टाइम इन लाइफ, राइट? उस केस में अगर मैं आपसे पूछूँ कि अच्छा से सो एक तो एडसेंस रेवेन्यू हो गया, बट हैव यू वर्क्ड अदरवाइज एज वेल? कोई और यू नो ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें? इंस्टाग्राम पे चलती रहती हैं पेड प्रमोशंस वगैरह। व्हाट्स दैट लाइक, इज इट गुड, लुक्रेटिव, और इज इट कंफर्टेबल, और इज इट अभी बस? अभी एक तरह से मेरा स्टार्ट ये भी हुआ है कि एक मेरी पेड पोस्ट थी, वो मेरे पिछले अकाउंट पे थी, उसकी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें ब्रांड्स वगैरह हमें काफ़ी कंजूसी से देते हैं, ब्लॉगर्स वगैरह को। फिलहाल मेरे इस नए इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी 2-3 पेड पोस्ट होंगी हार्डली, लेकिन आई बिलीव कि हमें ब्रांड से ज़्यादा मिल सकता है जितना वो हमें देते हैं। और आपकी कंसिडरिंग की ऑडियंस इज 18 to 24 ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दैट्स अ वेरी गुड ऑडियंस। आई मीन आपका तो, एंड द एंगेजमेंट दैट यू हैव, चलेंगे हम आफ्टर शो डिस्कस करेंगे कितना आप कर दिए। मैं तो सोचती हूँ 70,000 है, मुझे 20,000 क्यों लाइक्स मिलते हैं? इसी तरह होता है। सो अगर मैं उसका एक एनालिसिस करूँ ना, जनरली जो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, बिकॉज देर शेयरिंग द लाइफ स्टाइल, इज मोर लाइक रियलिटी टीवी। सो देर इज एन द एंगेजमेंट ऑफ द कंज्यूमर विद द पर्सन इज़ अ लॉट मोर। सो आप अगर एक पोस्ट डालती हैं और आप कहती हैं कि देखें जी मैं आज ये कर रही हूँ, तो फॉर अ कंज्यूमर उसको बहुत हिस्ट्री आपकी पता है कि वो समझ सकता है कि किस सोच से आप ये कर रही हैं। ठीक है, तो ही इज़ मोर लाइकली टू एंगेज विद यू। ऑन एवरेज जो एंगेजमेंट है वो 5 to 7% है बेस्ड ऑन योर लाइक्स, राइट? सो अगर मैं कहता हूँ कि 70,000 आपके फॉलोअर्स हैं, तो आई वुड एक्सपेक्ट यू वुड बी गेटिंग 4 to 5,000 लाइक्स। ओके, राइट नाउ यू आर गेटिंग रफली 30% एंगेजमेंट, राइट? कि अगर मैं 70,000 में से 21,000 मुझे लाइक्स आ रहे हैं, 30% एंगेजमेंट इज बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज कि यू हैव बीन एबल टू क्रिएट अ वेरी गुड कनेक्शन विद योर ऑडियंस, एंड दे आर एबल टू सॉर्ट ऑफ इंटरमेटली अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ये तो ये सोचती है, ये इस चीज़ पे खुश होती है, ये इस चीज़ पे होती है। दैट्स अ वेरी पावरफुल। ओके, ठीक है, कि वो आपकी बात को कितना इम्पैक्टफुली ले रही हैं, एंड देन ऑब्वियसली उसकी अपनी मोनेटाइजेशन बेनिफिट्स भी हैं जो कि यू कैन टेक दैट। बट अगेन, सो अगर मैं कहूँ कि एंड यूर इन FSC राइट नाउ? यस, FCS, कंप्यूटर साइंस। इंटरेस्टिंग, हाउ डिड दैट हैपन? जैसा मैंने बोला मेरे शौक बदलते रहते हैं, तो जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मेरा था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँगी। सही है। तो मुझे था कंप्यूटर ले लेती हूँ, आई हैव मैथ्स स्टेटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाला कॉम्बिनेशन। फिर बीच बीच में आजकल में मेरा दिमाग हुआ नो आई विल गो टुवर्ड्स बिजनेस, तो मुझे हुआ कि कंप्यूटर की जगह इकनॉमिक्स लेनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर मुझे ऐसे जितनी पसंद नहीं है, मैं आजकल वो कोडिंग वगैरह कर रही हूँ, C++ सारा कुछ, लेकिन कंप्यूटर इज़ इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मेरी सोच थी, इसलिए मैं कंप्यूटर की तरफ आई हूँ, लेकिन आई गेस ये मेरी आगे भी हेल्प करेगी कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर तो करती है वो, एक लॉजिक बिल्डिंग के अंदर और एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड अभी आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा? यस, सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा और इसके बाद आपने कॉलेज जाना है। Yes. और उधर जाके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग साइड पे जाना चाह रही हैं? नहीं, अब मैं मीडिया स्टडीज़ का सोच रही हूँ। अच्छा, एंड यू गोइंग टू स्टे इन पेशावर या मे बी लुक एट नास्ट? और नहीं, पेशावर का इतना प्लान नहीं है, इंशाल्लाह देखते हैं, पेशावर से बाहर ही निकलूँगी कहीं। अच्छा, पेशावर से बाहर ही निकलेंगे। आई थिंक अगर मीडिया स्टडीज़ के मेरे पास कहीं ऑप्शन उस तरह से नहीं है ना, एंड कंसिडरिंग कि आपका जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी बन चुका हुआ है, तो यू शुड गो टू अ गुड स्कूल लाइक मे बी NCA और PNU। यस, अभी आजकल मैं उसी स्टेज पे हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी सर्च कर रही हूँ, यहाँ की, बाहर की। राइट। हाँ, बल्कि इफ यू कैन, सो मीडिया स्टडीज और फिल्म स्कूल? मीडिया स्टडीज। व्हाई, व्हाट्स द डिफरेंस? मुझे सही से डिफरेंस नहीं पता ऑनेस्टली, बट फिल्म में आई गेस ये वीडियोग्राफी और ये सारा डेडिकेटेड हो जाता है। हाँ। और मुझे है कि मीडिया में रहकर ना आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो इसलिए मैं मीडिया की तरफ जा रही हूं, क्योंकि आई थिंक मीडिया स्टडी में वो मैस कम्युनिकेशन का भी एलिमेंट आ जाता है, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द पीपल एंड वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरी वैसे भी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि मैंने ये करना है, मैं अभी जिस तरह यूट्यूब कर रही हूँ तो कुछ दिनों बाद कुछ और कर सकती हूँ, तो इसलिए मीडिया में ये रहेगा कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस होंगे। राइट। और सो अगैन मेरा अगला सवाल ही बेसिकली ये था कि आपने जो आप ये कर रही हैं, डू यू सी योरसेल्फ डूइंग दिस फॉर द नेक्स्ट आफ्टर 4 years और आफ्टर 6 years? बट देन अगर मीडिया में आप हैं तो ऑटोमेटिकली, चाहे नॉट इन दिस फॉर्म बट इन एवॉल्व फॉर्म में यू विल बी डूइंग समथिंग सिमिलर, राइट? यस, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे था कि नहीं, ये तो मैं छोड़ दूंगी, एज अ कैरियर तो कभी नहीं करना। अभी तक मेरा कोई रिसेंट इंटरव्यू भी देखी तो मैंने यही बोला होगा कि नहीं, मैं यूट्यूब को एज अ कैरियर नहीं ले रही। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मुझे होता है कि इतना आगे आ गई हूँ, हर कोई नहीं आ सकता इतना आगे, क्योंकि मैंने खुद देखा कितनी मुश्किल जर्नी है ये। राइट। तो उसमें मैं क्यों ना इसी फील्ड में रहूँ। यूट्यूब तक ये नहीं है कि यूट्यूब को एज अ कैरियर परस्यू करूँगी, लेकिन जब तक कर सकती हूँ या जब तक दिल करेगा यूट्यूब करती रहूँगी, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया में भी काफ़ी और चीज़ें हैं। तो अभी आई फील लाइक इट वुड बी अ डिससर्विस टू एवरीथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड एंड ऑल द एफर्ट दैट यू हैव पुट इन, कि अगर आप इस पॉइंट पे छोड़ के गए कि अच्छा मेरा मूड चेंज हो गया, मैं कुछ और कर लेती हूँ। इसीलिए मैं इसी मीडिया में इसीलिए मैं रहना चाहूँगी कि ऑलरेडी नाम आ चुका है, तो बाकी चीज़ों के लिए तरफ जाने के लिए भी आसान होगा मेरे लिए। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल स्पेस की, ठीक है, तो उसमें जाहिर है बहुत सारे Tier 1, Tier 2 क्रिएटर्स भी आते हैं। हैव यू इंटरेक्टेड विद एनी ऑफ दोज? आई मीन यू टॉक्ट अबाउट Youkhana एंड आई थिंक ही वाज वन ऑफ द पर्संस जिसकी वजह से आपको एक बिग ब्रेक भी मिली स्टार्ट में, बट हाउ डू यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द Tier 3 एंड द Tier 1 and 2? लाइक बिटवीन अब जो लोग और हम लोग, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री में देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ कनेक्ट एंड देयर हैज़ टू बी अ सॉर्ट ऑफ इंटरलिंकेजेस जिसके थ्रू इंडस्ट्री ओवरऑल आगे जाएगी। अगर हर बंदा अपने साइलोज में काम करेगा तो ऑटोमेटिकली हम अब छोटी छोटी अपनी डेढ़ की मस्जिदें बनाकर बैठे होंगे। यस, राइट। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो इंटरकनेक्शंस हैं या हम बड़ा रैंडम है? इंटरकनेक्शंस हैं, मेरी इतनी नहीं है, लेकिन मैं मोमिना को देखती हूँ तो मोमिना काफ़ी लिंक है जुनेजो से की है मेरी, Youkhana के साथ थोड़ी बहुत है, करती रहती हूँ कांटेक्ट उनसे। तो लेकिन देखा जाए ना, तो अगर हम जुनेजो, Youkhana इनको देखें और फिर हम अपनी जनरेशन को देखें ना, जो मैं हूँ, मोमिना है, ज़ैनब है, तो हमारा कॉन्टेंट भी बहुत डिफरेंट है। अगर आप उनको देखें तो उनकी वीडियो में आपको सिनेमेटिक शॉट्स नज़र आएंगे, हमारी आप व्लॉग देखें तो हम हंसी मजाक कर रहे होंगे, लाइक नॉर्मल व्लॉग होगा। अब राइट, सो कंटेंट वाइज दे आर वेरी डिफरेंट, देखें। बट होता क्या है कि फॉर एग्जांपल देयर इज दैट, मैं अगर कंटेंट निकाल दूं ना तो जर्नी जो होती है ना वो सबकी सेम है। जर्नी में एक से क्या है सबकी कि जी एक तो एफर्ट आपने क्या डाली, दूसरा ये कि एंड खासकर आई लाइक टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स जो कि वी डोंट टॉक अबाउट अ लॉट, एंड दैट इज के इट्स अ वेरी डेटा ड्रिवन मीडियम, राइट? आप टीवी पे काम करते थे, आप लाते थे, कंटेंट बनाते थे और थ्रो कर देते थे, और फिर आपको रिव्यूज़ अखबारात में, 4 अखबारों में रिव्यूज़ आ जाते थे और आप उससे डिफाइन करते थे कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या बना। अब आप डालते हो और फिर नीचे से कमेंट्स शुरू होते हैं और लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। एंड वी आर नॉट डिजाइंड as species, we're not designed to take that level of feedback where we're constantly hearing कि अच्छा तुम्हारे कपड़े ऐसे और तुम्हारी शक्ल ऐसी और तुमने आज मेकअप सही नहीं किया हुआ और तुम्हारे बाल आज दो ऊपर निकले हुए। एंड दैट्स डेट्रीमेंटल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, इट इज़ डेट्रीमेंटल। तो आपको अंदर से खाता है और आप आहिस्ता आहिस्ता लोनली होते जाते हैं। चाहे आप जितना भी उसको डिनाई करें, आपके अपने दोस्त यार जो हैं वो आपके साथ सुबह शाम होते हैं, लेकिन उनको नहीं ये पता लग रहा होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। They don't really realize कि if you are there where you have to put yourself out there, be vulnerable, and you have to be vulnerable. Yes. तो actively आपको what are you going through? आपने एक पर्सनैलिटी बना ली होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑडियंस के लिए अलग, अपने करीबी जानने वालों के लिए अलग, आप खुद अलग फ्रेंड्स के साथ। और जो रात को आप लेट कर बिस्तर में सोचते हो ना, वो आप हो, उसके अलावा बाकी सब पर्सनैलिटीज हैं। यस, राइट। सो जब मैं कह रहा हूँ कि कनेक्ट एक एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ जो है, चाहे वो अगला स्किट्स बना रहा है, चाहे वो अगला सिनेमैटिक ब्लॉग्स बना रहा है, वो पॉइंट मेरा ये है, जो ये मेंटल हेल्थ का एक, जैसे कहते हैं ना, कि एक डिज़ास्टर मैं कहूँगा, और मैं ऑनेस्टली इसको डिज़ास्टर कहूँगा, बिकॉज ज़ॉम्बीज़ की तरह हमारे क्रिएटर्स इस वक्त चल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। एंड द ओनली वे दैट दे कैन एक्चुअली फाइंड समवन दे कैन कनेक्ट विद आर द वंस हु आर गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर, या पहले वो गुजर चुके हैं उस चीज़ से। So उस perspective से, do you think we talk enough about what the creator is going through while they're going through this? हर बंदा आपसे, मुझे पता है, गारंटीड बात है, आपसे मुलाकात होती है, कहते हैं कितना मज़ा आता है, आप इतनी मशहूर हो गई, yes, आपने इतना ये कर लिया, आपने इतना वो कर लिया, वो आपको सब बताएंगे, और आप बैठे उनको बता देंगे भाई आपको क्या पता कि ये तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, बट आगे 10 चीज़ें पीछे क्या चल रहा है, द प्रेशर, द वो के यार, आई एम फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट 17-year-old girl, how many Pakistan did not have any child superstars, you know, Pakistan did not have any girls who were जो कि इतना widely known थी और उसके ऊपर commentaries भी चल रही थी और सब कुछ हो रहा था। How are you supposed to deal with it? जिस तरह आप बोल रहे थे different personalities होती हैं, इस तरह होता है। मुझसे भी जब लोग बोलते हैं ना कि ये तो बहुत मज़ा आता होगा, फेमस हो गई हो ये सारा कुछ, और लाइक हम कैमरा पे खुश होते हैं हर वक्त, हम अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन हमारी जो पीछे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोगों को नज़र नहीं आती। इस तरह कह सकते, सॉरी, अच्छा, तो जिस तरह बोल रहे हैं कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं हमारी, इस तरह होता है। मेरी भी, अब मैं यूट्यूबर्स हूँ, उनके साथ अलग हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं बिल्कुल डिफरेंट मारू हूँ, अपनी फैमिली के साथ मैं डिफरेंट हूँ, लेकिन जो मैं खुद हूँ वो किसी को नहीं पता, right। तो अब हमारे क्रिएटर्स, मुझे नहीं लगता कि हम इस पर इतनी बात करते हैं, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर बात करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो कुछ इश्यूज़ आए हैं ना, उसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है, right। रमीसा खान, यूखाना ने प्रॉपर वीडियो बनाई है अपनी, जो उसके साथ सारा सीन हुआ, तो हमें नहीं समझ आती कि दूसरे की जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी अफेक्ट होती है हमारी एक छोटी सी चीज़ की वजह से, right। तो अब मुझे लगता है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑडियंस के साथ ज़रा इस इशू पे भी बात करूँ कि अगर आपको जिस तरह हम नज़र आ रहे हैं ऑन कैमरा, हम कैमरे के पीछे वैसे नहीं हैं। जिस तरह आजकल मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही, मेरा दिल नहीं करता, या कोई इश्यूज़ है मेरे, तो मेरी ऑडियंस मुझे डांटती है, नीचे मुझे कमेंट्स आते हैं आप क्या करिए, आप क्यों नहीं करिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पीछे मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरे भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ है, और इस तरह के काफ़ी इश्यूज़। मुझे लगता है कि अब हमारी ऑडियंस को भी समझना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, या उनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दूसरों के हो सकते हैं, लेकिन उनको तब पता चलेगा जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड आई थिंक व्हाट दे डोंट रियलाइज इज, उन्होंने डीह्यूमनाइज किया हुआ है, उनको लगता है कि आप कैरेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने उनको लगता है वो हमें ओन करते हैं, जो वो कहेंगे हम करेंगे, उनके लिए हम वीडियोज़ डाल रहे हैं सारा कुछ। And without any experience, वो आके आपको जो है ना, every person is going to tell you, and I do agree, everybody has a right to comment, and everybody has a right to this basic freedom of speech given to you by the constitution, but थोड़ा सा एक empathy का तकाजा ये है कि आप थोड़ा सा understand तो करें ना कि यार वो अगला बंदा जो है, पहले तो वो अगर 130,000 सब्सक्राइबर लेकर बैठा है तो definitely she knows what she's doing, but more importantly, everybody doesn't know. इट्स वेरी ईजी। फॉर एग्जाम्पल होता है ना, कभी किसी को क्रिटिसिज्म आ रही होती है, तो एक बंदा आता है एवरेज, वही कहता है यार गेट अ थिक स्किन, यूर इन पब्लिक आई, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। ब्रो, आपको नहीं पता कि क्या है, आपका दोस्त आपके बारे में किसी और से कुछ बोल देता है, आपका दिन बुरा गुजरता है कि यार ये देखो ज़रा इसने मेरे बारे में क्यों बात गलत फैला दी, Exactly. How do you expect someone to be, in the public eye, to just blindly take criticism and have a thick skin? Like, that's not humanly possible. That's not biologically possible. We're not tailored to be like that. Exactly, क्योंकि मुझे भी अभी मैंने recently YouTube पे वीडियो मेरी थी 1 मंथ पहले, तो उस पर ना मुझे 30% लोग हैं उनके कमेंट्स होते हैं कि ओके वी अंडरस्टैंड कि आपकी पढ़ाई और सारा कुछ और आपने कंटेंट पोस्ट करी. उसके अलावा जो 70% लोग हैं मुझे नीचे गालियाँ भी आ रही हैं, आप क्यों नहीं पोस्ट करी वीडियो, हम बैठे हुए हैं ये और सब कुछ. और लाइक आधे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं बस आपको 100K का इंतज़ार था, आपके 100K हो गए, अब आप क्यों पोस्ट करेंगी. मुझे होता है कि नहीं यार, लाइक क्रिटिसाइज़ करना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें नहीं पता कि दूसरों को वो कितना ख़राब इफेक्ट करता है, दूसरों की मेंटल हेल्थ को वो ख़राब करके रख देता है. हेट करना, जिस तरह बोलना यार बाल ठीक नहीं है बाल ठीक करो, वीडियो बनाते हुए मेकअप कर लिया करो, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं आप लोगों को नहीं पता कि ये पीछे दूसरे बंदे के लिए क्या कर सकते, कितनी डेट्रीमेंटल है. Exactly. और इसी में वो मुझे याद है कि आई वॉज टॉकिंग टू अनदर क्रिएटर ही वाज हियर लास्ट नाइट. अच्छा, उन्होंने मुझे कहा, उनसे मैंने ये बात करा था, मैंने कहा कि अच्छा आजकल एक अजीब सा माहौल बना हुआ है जिसमें व्हेनेवर यू डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क ना, तो लोग आके एकदम से आपको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि भाई तू पेड वर्क क्यों कर रहा है. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्यूअर को मुफ्त का कॉन्टेंट मिल रहा है इस टाइम, राइट? कोई नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई सैटेलाइट केबल टीवी नहीं लगाना पड़ रहा आपको, फ्री का कंटेंट है. उसके ऊपर अगर आप उसके ऊपर अपनी सस्टेनेंस के लिए, मतलब अगर आपने नया कैमरा लेना है आप कैसे लेंगी, आपने अपने आप को ग्रो कराना है आप कैसे लेंगे, और फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे, कहेंगे यार एक्साइटिंग कंटेंट बनाओ, एक्साइटिंग कंटेंट बनाओ. तो भाई एक्साइटमेंट के लिए अगर मुझे ट्रैवल भी करना है तो खर्चा तो आएगा ना. Exactly, उसके ऊपर कुछ तो होगा ना. जैसे मैंने 1-2 पेड पोस्ट की थी, तो उनमें पहले मैं देखती हूँ कि अगर मैं पेड पोस्ट कर रही हूँ तो वो प्रोडक्ट इस काबिल हो कि मैं उसको आगे अपनी फीड पर ला रही हूँ. Right. तो मैंने एक किया था, और उसके बाद मैंने पोस्ट पर सारा कैप्शन लिखा कि ये इस तरह चीज़ है, काफ़ी अच्छा है सब कुछ. उसके बाद मुझे लोग मेरी वही पोस्ट DM कर रहे थे कि अब आप सच सच बताएं कि ये कैसी चीज़ है. मुझे था यार मैं सही बात कर रही हूँ. फिर लोग होते हैं, और कुछ लोग नीचे ही कॉमेंट करते हैं पेट है, जाहिर सी बातें तारीफ़ें ही होंगी. ज़रूरी नहीं है, लाइक हमारे लिए पेट पोस्ट करना ज़रूरी है, वरना आपको आपका कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो आप देख रहे हैं. हम कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे ना. आई थिंक लोगों को ना एक अंडरस्टैंडिंग ही पेट की इंटायर मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग गलत है, बिकॉज व्हाट दे डू इज, जितना अगेन कल वाले भाई जो है वो कहते हैं कि यार लोग आके कह रहे हैं हमारे व्यूज़ को तू बेच रहा है, हमारे पैसे पे तू जा रहा है बाहर. भाई हाउ इज़ दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड. लाइक पहली बात तो ये कि वो आपका पैसा नहीं है, राइट? वो ब्रांड का पैसा है. सेकेंड ऑफ ऑल, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि अगर ब्रांडेड चीज़ आई है तो आपने ख़रीदनी है. इट्स एन एडवर्टाइजिंग स्पेस, हम ला रहे हैं, आपकी मर्जी आप जो करें, यू आर फ्री टू चूज. थर्ड ऑफ ऑल, आप वाई इज दिस नेगेटिव वाइब वेयर सम हाउ मेकिंग मनी इज़ अ बैड थिंग. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान फले पूरे ग्रो करे, तो ग्रो करेगा तो उसमें पूरा पाकिस्तान पैसे बनाएगा. ये मनी इज़ एट द हार्ट एंड कोर ऑफ इट. बट मोर इम्पॉर्टेंटली एंड दिस इज़ वेयर, जिसने आपने वो वाली बात बोली कि लोग कह रहे हैं कि ये सही प्रोडक्ट है, आप तो तारीफ़ ही करनी है. द मैकेनिज्म हेयर इफेक्टिवली इज़ कि भाई लोग सुबह शाम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. हम एज इन्फ्लुएंसर्स, और हमें 10 क्वेरियाँ आती हैं, हम 10 की 10 तो नहीं उठाते. हम जाएंगे जाके देखेंगे कौन सी अच्छी चीज़ है. Yes. उसकी अच्छी चीज़ की अच्छी चीज़ें हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, वरना कंज्यूमर को पता ही नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर एक बड़ा फारिक सा एक सर्फ़ यूज़ करता रहा है, हम आके बता रहे हैं यार ये नया सर्फ़ आया है, इसकी प्राइस भी कम है, इसके वो भी अच्छी है, तो ये तो एक वैल्यू है यार. अदरवाइज़ तुम एक गंदी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, हम तुम बाय प्रॉक्सी ऑफ अस तुम अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू हो जाओगे. एक बिजनेस आएगा, एक अच्छी प्रोडक्ट लेकर आएगा, हाउ इज इट गोइंग टू लेट यू नो कि देव लॉन्च सच अ प्रोडक्ट एज वेल. सम हाउ देर इज अ मैंटेलिटी इन पाकिस्तान वेयर मनी इज डीमनाइज्ड. यस, मेकिंग मनी इज डीमनाइज्ड. बिजनेस, हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो, पाकिस्तानी बिजनेसेस चलें, और साथ ही एनी वन इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, लाइक यू आर डूइंग अ सर्विस टू योर नेशन, यू आर डूइंग अ सर्विस टू द इकॉनमी इफ़ यू आर हेल्पिंग सेल्स टू ड्राइव एंड वो, अनलेस ऑब्वियसली कोई बंदा इस्तेमाल करते हुए आगे. फिर बड़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है, मैंने कोई चीज़ की, मुझे ब्रांड ने आकर जो चीज़ भेजी थी वो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस से भेजी थी, फिर कंज्यूमर ने आकर सर हमारा तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उन ब्रांड को बोल दिया कि जी आइंदा मेरे साथ काम ना करिएगा. ऐसा बहुत होता है, राइट? एक ऑनेस्ट वो है, एक फीडबैक मैकेनिज्म है, आप उसके ऊपर तरीके से काम करिए कि आप आके अटैक कर रहे हैं. एंड मुझे लगता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ज़्यादातर ये हम पे ही अटैक करते हैं, बाकी लोगों को भी इस नहीं होता कि इनका बस क्या है यार, ये लोग बस तैयार होकर पिक्चर्स लेकर पोस्ट करें और इनको पैसे मिल रहे हैं. उनको लगता है कि ये बहुत आसान तरीके से हम कमा रहे हैं, तो इसलिए शायद वो. अच्छा, मुझे आई हैव अ क्वेश्चन, इफ इट्स सो ईजी व्हाई इजंट एवरीवन डूइंग इट, एंड इफ इट्स सो ईजी व्हाई इजंट द वन क्रिटिसाइजिंग डूइंग इट एज वेल. इट्स नॉट ईजी, यही लोगों को समझ नहीं आती। लोगों को लगता है कि ईजी है, एक दफ़ा वो स्टार्ट करें ना तो फिर वो क्रिटिसाइज़ करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको समझ आएगी कि इसके पीछे इतनी मेहनत होती है। सिर्फ आप तैयार होकर पिक्चर नहीं लेते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को आपको देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट आप जो कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं, क्योंकि आगे आपकी ऑडियंस फिर आपसे पूछती है ना। एंड लाइक आई सेड, जिस तरह आपको 20,000-21,000 लाइक्स इस वजह से आ रहे हैं, बिकॉज नॉट बिकॉज यू आर पुटिंग प्रिटी पिक्चर्स, बट बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एन एंटायर, यू हैव स्पेंट 2 years क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप with hundreds of thousands of people, and that's not an easy thing. कोई एकदम से आके मेरे कोई 20,000 लोग आके पिक्चर नहीं लाइक करेंगे। Exactly, you know they have to, वो चाहे वो आपको एज अ दोस्त समझ रहे हैं, चाहे वो एज अ बहन समझकर आपके साथ वो आके एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। Whatever it is, it's a very profoundly powerful thing, and that's something that you're doing at the age of 17. I'm gonna end this, but how do you feel? Do you think you've achieved something that you didn't think was possible, or do you think कि बस चल रहा है? खेल रहे हैं, खेलते रहते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ इस एज में अचीव कर लिया, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, अपनी अदिति कज़न्स को देखती हूँ जो कि बैठी हुई हैं। मैंने इस एज में मैं जितना अर्न कर लेती हूँ, मैं कुछ खुद से कर सकती हूँ। मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फ़ेम है, पैसे मिलते हैं और सब कुछ है। तो इस एज में यूजुअली आई गेस मुश्किल होता है, Right. और फिर पाकिस्तान में थोड़ा फीमेल्स के लिए तो और भी मुश्किल होता है। तो मैंने और भी बहुत कुछ अचीव करना है, मेरे गोल्स हैं कुछ, लेकिन अभी तक मैंने जितना किया है उस पे मैं You're grateful for that. Yes. And do you think there's an inherent sense of responsibility that you have been able to be where you are? So would there be any way of you wanting to give back to the community or the society? मेरी कोशिश होगी, लेकिन maybe when you've sort of built yourself in a certain direction first, pehle main khud ek jagah stable ho jaun, phir makes sense. Mahrukh, thank you so much for coming in. Thank you so much for having me. Very enlightening. I'm in awe of the fact that if at 17 you are the sort of person that you are, so I'm waiting ki jab aap 30 saal ki hongi, meri umar ki, to aap kya hongi, what sort of a superstar you'll be, inshallah. And all the best wishes, and I'm definitely rooting for you, and I'm definitely waiting to see ke किस तरफ आप जाती हैं, क्या क्या अमेजिंग चीज़ें आप करती हैं हमारी कम्युनिटी और हमारी सोसाइटीज़ में। थैंक यू सो मच। एंड फॉर एवरीबडी ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू वॉचिंग, इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर एपिसोड, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देयर इज़ अ लाइक बटन, अपेरेंटली आप उसको क्लिक करें तो हमारी एंगेजमेंट बढ़ती है, व्यूज़ बढ़ते हैं। ये भी मुझे रिसेंटली पता लगा है कि ये इतना सीन है। सो डू दैट। देयर इज़ ऑल्सो अ सब्सक्राइब बटन, आइदर इफ यू आर ऑन एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म, आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन हासिल ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ This was Thought Behind Things. My name is Syed Muzamil Hasan Zaidi. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.